बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने एक मोबाइल की दुकान के शटर में जोरदार टक्कर मारी और फिर गाड़ी को बैक करके फरार हो गई। सारा मामला वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद है, लेकिन रात का समय होने के कारण कार के नंबर की जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को सूचना दे दी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रात को एक बेकाबू कार सीधे एक दुकान के शटर को तोड़ते हुए जा घुसा और फिर कुछ ही पल के बाद गाड़ी चालक कार को बैक करके दूसरी तरफ से निकल जाता। ये सारा नजारा सीसीटीवी में कैद हो गया है, लेकिन कार का नंबर ट्रेस नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि कार चालक या तो नशे में होगा या कार की रफ्तार तेज होगी, जिसे चालक संभाल नहीं पाया। इस दुकान के मालिक राजू ने और पड़ोसी दुकानदार रमेश तोमर ने बताया कि रात 2:10 पर एक सेंट्रो कार ने उनकी दुकान के शटर में जोरदार टक्कर मारी और फिर फरार हो गए। उनके मुताबिक दुकान में शीशे के काउंटर और इस चक्कर में उन्हें कम से कम 1,00,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर बीत रात को एक गाड़ी आई बहुत स्पीड से और दारू के नशे में था या पता नहीं, उसको बैलेंस नहीं बना और गाड़ी सीधी शटर में ठोक दी। नुकसान बहुत ज्यादा है, अंदर काउंटर लगे हुए शीशे के, लाखों रुपए हजारों रुपए का नुकसान है। रात को 2:10 पे गाड़ी आई है, सेंट्रो कार है, सीधी टक्कर मारी है, उसमें करीब 1,00,000 रुपए तक का नुकसान हो गया है। जी मैंने बीट कर दी है, 100 नंबर पे पुलिस वाले भी आए हैं, सुबह का नंबर नहीं पता लग पाया, सेंट्रो कार है बस।